दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने लोगों से राष्ट्र निर्माण हेतु आम आदमी पार्टी से जुड़ने का संदेश दिया। पंकज सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में आप पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए जल्द ही उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। देखिए, केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता ने ये बताया है, आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 5 साल दिल्ली में सरकार चलाई, वहाँ पे एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो शिक्षा का मॉडल है जिससे शिक्षित हों लोग, वो स्वास्थ्य का मॉडल है जिससे लोग स्वस्थ रहें, वो मॉडल है सही से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का, पानी, बिजली, सड़क, इस तरीके के बुनियादी सुविधाएं जिससे लोग अपने आप को शिक्षित, स्वास्थ्य, सुरक्षित महसूस करें। उसी से वास्तव में शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित नागरिक ही सही से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस मॉडल को लेकर पूरे देश में जाना चाहती है। मध्य प्रदेश में भी हम घर घर तक ये मॉडल लेके जाएंगे, जनता को समझाएंगे, यहाँ के किसानों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, माताएँ बहनों को, सबको समझाएंगे, और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसको उतारने कि हमारी पूरी कोशिश होगी। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रहे पूरे मध्य प्रदेश जी, उसके लिए भी हम आज कमेटी का गठन कर रहे हैं। वो कमेटी जो प्रदेश इकाई है वो बैठक चल रही है, इसके बाद बैठक चलेगी भी, तो उसमें कमेटी गठित होगी। वो कमेटी पूरे प्रदेश से नाम भी मंगाएगी। हम निकाय के चुनाव यहाँ के मुद्दों के आधार पर, क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर, और साथ ही जो हमने दिल्ली के मॉडल बनाया है जनता के लिए, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, ये मॉडल हम यहाँ भी जनता को समझाएंगे। उम्मीद है कि जनता उस मॉडल को पसंद करेगी, हमारे साथ आएगी और नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को ठीक से सपोर्ट भी करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।